गोपाल मिश्रा का हत्याकांड हुआ उसके बाद में योगी जी की पुलिस ने लगातार दो आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया आज। बहुत बढ़िया, मुझे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं कहता हूँ वो जो गोली पैर में लगी है कहीं ना कहीं वो गोली माथे की हकदार थी। वो गोली अगर सर पर लगती तो ज्यादा अच्छा लगता हिंदू समाज को और कहीं ना कहीं उस परिवार को न्याय मिलता, लेकिन पैर में भी गोली लगी है। और उत्तर प्रदेश के एसटीएफ प्रमुख अमिताभ एस जी ने भी बोला है उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अगर इस प्रकार का दंगा करने की कोशिश करेगा तो चाहे सरफराज हो या आदिल हो या यूसुफ हो, सबका इलाज एक ही होगा कि उसके पैर में गोली होगी। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन एक नज़ीर बनाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है एनएसए के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, जहाँ इनके 50 मकान हो जाते हैं उस क्षेत्र को संवेदनशील घोषित कर दिया जाता है, ऐसे कैसे संवेदनशील घोषित हो जाएगा? क्या बहराइच भारत के अंदर नहीं आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहराइच आता है और एक कौम इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ दंगा फसाद करने का काम कर रही है, वो कौम आप अच्छे से जानते हैं कौन सी है। आप बताइए, अखिलेश यादव टेढ़ी नाक वाले नेता, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, टेढ़ी नाक वाले बोलते हैं कि यूपी में तनाव है क्योंकि चुनाव है। अरे मौलाना अखिलेश यादव जी, मान लेते हैं कि यूपी में चुनाव है, झारखंड में कौन सा चुनाव था, असम में कौन सा चुनाव था, त्रिपुरा में कौन सा चुनाव था, हिमाचल में कौन सा चुनाव था, कर्नाटक के अंदर कौन सा चुनाव था? आप एक बात बताइए, देखिए अगर एक ही, मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे आरोपी, सारे के सारे आतंकी एक ही मजहब के होंगे तो उनका एनकाउंटर तो होगा, इसमें मजहब देखने वाली क्या बात है। लेकिन मैं एक बात जानकारी देना चाहूँगा, मौलाना अखिलेश यादव जी का शायद डाटा कमजोर है। इस सरकार में विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ है, मुन्ना बजरंगी का भी एनकाउंटर हुआ है, मनोज ठाकुर का भी एनकाउंटर हुआ है और यादव जी का भी एनकाउंटर हुआ है। कि योगी जी ना एक कौम को टारगेट कर रहे हैं, एक कौम को ज्यादा मार दे रहे हैं। देखिए पत्थर वही कौम चलाती ना, वो कौम पत्थर चलाना बंद कर दे, उनको टारगेट करना बंद कर दिया जाएगा। पत्थर आप चलाएंगे तो बुलडोजर मेरे घर पे क्यों चलेगा पत्रकार महोदय? फोन आप चोरी करोगे तो मेरे घर पे पुलिस क्यों आएगी? आप बताइए, आपके अगर सर पे चोट है तो हाथ पे बैंडेज लगाते हैं क्या? नहीं लगाते ना। सर पे चोट है तो सर पे ही बैंडेज लगेगा। तो जो पत्थर चलाएगा बुलडोजर उसके घर पर चलेगा। जो 34 छर्रे एक निर्दोष में, एक व्यक्ति जिसको पैर पे गोली मारी गई उसके लिए सारे दो कोड़ी के नेता मातम बना रहे हैं, जैसे इनका बेटा बेटे को गोली मार दी गई हो। लेकिन एक परिवार, एक माँ जिसने अपना बच्चा खो दिया, एक बहन जिसने अपना भाई खो दिया, एक बीबी जिसने अपने पति खो दिया, एक बाप जिसने अपना बेटा खो दिया, जिसका बच्चा चला गया, उस परिवार के लिए इनके दिलों में कोई संवेदनाएं नहीं है, वो परिवार इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ और सिर्फ गोल टोपी लंबी दाढ़ी MY फैक्टर को लेकर चलने वाले लोग हैं, 20% वोट बैंक को लेकर चलने वाले लोग। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर ये सभी करना है तो कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए, अगर अपनी तानाशाही दिखानी। देखिए मैं आपके चैनलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, मुलायम सिंह जी की सरकार में 2012 में 891 एनकाउंटर हुए, आप कह दीजिए नहीं होने चाहिए थे। ये लोग फेक एनकाउंटर पर बात करेंगे। इनकी सरकारों में जॉली एलबी 2 जैसी पिक्चरें बनी, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, जिसमें उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आपके पुलिस वालों ने फेक एनकाउंटर करा है। आज बताइए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक भी डिसीजन आया उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ, दायर कीजिए नई याचिका। आज जाते हैं आप, मुंह की खानी पड़ती है आपको। इनकी सरकारों में, मौलाना अखिलेश यादव के पिताजी की सरकार में पिक्चरें बनती थी, वेब सीरीज बनती थी, मिर्जापुर वेब सीरीज आपने देखी होगी, पूर्वांचल में गुंडा राज, इनकी सरकारों की देन थी। आपने रक्तांचल वेब सीरीज देखी थी, किस प्रकार से यूपी में गुंडा राज मचा, ये इनकी सरकार की देन थी। आपने भोकाल वेब सीरीज देखी होगी, जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और कैसे हमारे देश के IPS अधिकारी नवीन सिकेरा जी ने उसको संभालने का काम करा योगी जी की सरकार में। ये तो गुंडों को पालने वाले लोग हैं। जब इनके आदमी, इनके गुंडे, इनके गुर्गे नवाजवादी पार्टी के लाल टोपी पहन के काले काले कारनामे करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो इनकी अम्मा बुआ सब मरने लग जाती है। लेकिन कुछ लोग यहाँ भी ये भी कह रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई भले ही उन्होंने गोपाल मिश्रा का मर्डर कर दिया, आंख के बदले आंख का कोई सोल्यूशन थोड़ी होता है। देखिए कांग्रेस पार्टी को आप इतना सीरियस मत लीजिए, यूपी में कांग्रेस पार्टी की 3 सीटें हैं, सीट आती इनकी 3 और बोलेंगे एक एक घंटा। आपको उत्तर प्रदेश की जनता खुद नहीं सुन रही है, 40 साल से बनवास दे रखा आपको यूपी
यूपी के अंदर 10 सीट से ज्यादा नहीं आ रही, 40 साल हो गए आप, लेकिन एक एक घंटा के यूपी की जनता को ज्ञान देते हैं, आपकी सुनने वाली नहीं है। और ये मौलाना आदिल रसीदी जैसे बंदे जो कि हमारे देवी देवताओं और धर्म का मजाक बनाने का काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये हिंदू है, अब ये ना बटेगा ना कटेगा, अब हम आवेदन निवेदन नहीं करेंगे। अब मौलाना आदिल रसीदी जैसे दंगाइयों पर जो हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं उनके साथ दे दनादन करेंगे, इतने चैनलों पर डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। और इस बात को सुनिएगा, एक बात और सुनिएगा, एक बलनौर जमीन कम पड़ जाएगी, बिल्कुल जमीन कम पड़ जाएगी, सरकार विफल है उत्तर प्रदेश में। मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए, हम जब तक राम जी को मान रहे हैं, जय श्री राम के रास्ते पर हैं, हमें रहने दो। जिस दिन हम हर हर महादेव पर आ गए तो आदिल रसीदी जैसे मौलाना ये सऊदी तुर्की और ईरान में नजर आएंगे। जैसे हसन नसरुल्ला ठोक दिया गया ना, ऐसी कोई हिंदू आएगा और ठोक करके चला जाएगा। अरे मैं कहना चाहता हूँ हिंदुओं, सिर्फ और सिर्फ एक लॉरेंस बिश्नोई जैसा कट्टर हिंदू जागा है तो सारे के सारे बॉलीवुड वालों की फटी पड़ी है। और जिस दिन 110 करोड़ हिंदू सनातनी जाग गया तो ऐसे मौलाना भागते हुए नजर आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। क्या लग रहा है विजय भाई, जिस तरीके से योगी जी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, 2 आरोपियों को एनकाउंटर में गिरा दिया आज, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी बदले की भावना से काम कर रहे हैं? नहीं 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 भाई, सुनो मेरी बात, पहली बात योगी जी क्या कर रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा भाई। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, गोली टांगों पे क्यों लगी भाई, सर पे क्यों नहीं लगी, छाती पे क्यों नहीं लगी? उस माँ के आंसुओं से पूछो ना, उस माँ का कलेजा फट रहा है, कोई 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा है, कोई 4 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा है, कोई बच्चों के 35 टुकड़े कर रहा है, कोई 3-3 बच्चों के मदरसे छापी है बलात्कार करने के बाद जिंदा यूपी के अंदर लटका दे रहे कीकर के पेड़ पे, कोई सुमित गुर्जर को मार रहा है, कोई मेवात में मार रहा है। ये रही भाई फोटो, ये रही गोली टांग पे सोल्यूशन है, गोली यहाँ सोल्यूशन है। अब उस कुत्ते ज्यादी को, उस कुत्ते ज्यादी को योगी आदित्यनाथ जी की जो पार्टी है, जो सरकार है, जो महाबर, वो हमारे हिंदुओं के टैक्स से उसको सिक्योरिटी दिलवाएगी, उसको जेलों में खाना खिलवाएगी, उसके जेल के खाने में जहर डाल करके खिला करके उसको, एक माँ के बच्चे को उन ज्यादियों ने नाखून नोच लिए, उन्होंने करा, उन्होंने इस देश के अंदर 110 करोड़ सनातनियों को मारा है, उसने इस देश की सारे युवा बच्चों को मारा है, उसने इस बच्चों, इस देश की सारी माओं के छाती में चाकू गोद दिया उन जिहादियों ने। कैसे जिंदा है वो, कैसे जीवित है? मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ मर्दों, सुन लो हिंदू मर्दों, तुमने चूड़ी और लिपस्टिक बिंदी लगा ली है क्या? आज माओं का कलेजा फटे जा रहा है, आज माए बाहर निकलने के लिए तैयार है। जो घर में सब्जी काटने वाले नाई से ना नाई, वो माँ यूं कह रही है, एक एक माँ कह रही है कि मेरे दरवाजे पे कोई आ गया तो सब्जी काटने वाले से उसके इतने टुकड़े करूंगी कि भारत में जिहादी जो मदरसों में ट्रेनिंग ले रहे, इनकी अकल इस भारत में इनकी ठीक करेंगे और ये अपने गली के कुत्तों को खिलाएंगे, इन्हें भागने भी नहीं देंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि जब संवेदनशील क्षेत्र था पर प्रशासन को क्यों नहीं पहले, तो अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए अखिलेश यादव, तू अपनी ऐसी तैसी के लिए वो मुल्ला यादव, तू जो है तू अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए मुख्यमंत्री बन रहा है, तो अपने इस्तेमाल से करवाने के लिए मुख्यमंत्री बन रहा है। मतलब कि कोई जहां पर मुल्ले ज्यादा है, जहां पर मुस्लिम ज्यादा है, जहां पर मदरसे ज्यादा है, जहां पर ये मस्जिद ज्यादा है, कब्जा करके जो मस्जिद बना रखी है इन्होंने, वहां पर भाई साहब यात्रा शोभा यात्रा ही निकलेगी, शोभा यात्रा ही निकलेगी। जा हम भी कहते निकालो हमारे मंदिरों का ताजिए, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, सुन लो हिंदुओं कंप्लेंट दे देना अपने लोकल थानों में, किसी भी मंदिर के आगे से इनके ताजिए नहीं निकलने चाहिए, बदला लेना पड़ेगा। और सुन लो एक बात और, मैं अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां पर मस्जिदें हैं और ये 4-4, 5-5 जो भोंपू लगा करके 5 टाइम जो चिल्ला रहे हैं, अपने लोकल थाने में कंप्लेंट दो, 112 पे कॉल करो, तुम्हारा बीट ऑफिसर आकर के उसके माइक को बंद करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बाइक गाइडलाइन के ये धज्जे उड़ा रहे हैं बेमतलब में, उस अजान को कोई सुनकर के राजी नहीं है, हिंदू सुनता ही नहीं है उसको, हिंदू को पता ही नहीं, बोल कर रहे ये लोग, क्यों हमारे कान फाड़ रहे हो, क्यों हमारे बच्चों को, जो बच्चे एजुकेशन जो पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, इस देश के IAS IPS कमिश्नर DCP ACP बनने की, जज बनने की, DM SDM बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये अजान सुना सुना करके बनाएंगे क्या? बेवकूफ बना रहे हो जनता का, अदले का बदला हम भी लेंगे और तैयार है इस देश का कट्टर हिंदू सनातनी। तो यही तो कह रहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। अच्छा एक सेकंड भाई साहब, ये सुवर भाई चला देना, कसम अपनी तुम्हारी गंगा माई की कसम है तुम्हें भाई, ये चला देना ये सुवर। सुनो भाई, इस सुवर ने ना इसमें फर्क नजर आ रहा है नहीं आ रहा ना? इस सुवर ने हमारी मैया रानी के लिए बोला है, तू कितने दिन जीवित है ना हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हें सुन लो हिंदू हो, बिल्कुल अगर तुम्हारे अंदर पोसार देना, अगर तुम पक्के हिंदू हो, अगर हिंदू माँ के कोख से पैदा हुए हो तो इससे बदला लेना है।
इससे बदला लेना, इस राम और कृष्ण की भूमि पे इसके चरण नहीं रहने चाहिए। जहाँ ये मिल जाए ना तुम्हें, इसे रगड़ दो रगड़, जहाँ मिल जाए, अंजाम चाहे कुछ हो, अंजाम चाहे आजीवन कारावास हो तुम्हारे को, इसको छोड़ना नहीं है। मैया रानी को, उस मैया रानी को जिस वैष्णो माता को आप पूछते हो, जिस शेरों वाली माता को पूछते हो, जिस लक्ष्मी माता को पूछते हो, आप लोग ढोंग मत करना है पूजने का, इससे बदला लेना है। इसने बोला तुम करते हो अपनी मैया रानी देवी रानी का, मैं करते हैं करेंगे हिंदू सनातनी, तेरी ऐसी तैसी उतारेंगे, तेरी गोल टोपी लंबी डाड़े वाले ज्यादा दिखा देंगे तेरे को, और इसमें तो सुगर और इसमें मैं, हम तेरे को फर्क नहीं समझते भाई, तू है पक्का है। देख अपने माँ बाप, अपने बापे देख, अपनी तेरी माँ की खटिया पे कौन आया था, तेरी माँ की खटिया पे ये तो नहीं आया था, ये देख जो तू इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे की तैयारी कर रहा है। तो बेटा तैयार हम भी हैं, हमने भी अपने हिंदू भाइयों से बोल रखा है धनतेरस वाले दिन ना ये चम्मच प्लेट मत खरीदना, जो तुम्हारे ना पिछवाड़े लाल कर देंगे। सही बता रहा हूँ, अब की बार भाई नारियल काटने वाला खरीद करके लाना, वो नारियल काटने वाले बचाए आपको। यूपी में उपचुनाव है, हाँ हाँ, इसलिए जो है ऐसा माहौल बनाया गया बहराइच में। उससे पहले नहीं होता था कुछ भी, उससे पहले जब होता था ना भाई साहब, मेरी बात सुनो, उससे पहले होता था ना, जब अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर जब हिंदुओं को मारते थे धनाधन गोलियां, थानों में अफसर डीसीपी एसीपी में धनाधन गोलियां उतारते थे, जब उसमें क्या कहते हैं उस सब इंस्पेक्टर में गोली उतारी थी सर पे, तब क्या हुआ था भाई साहब, तब क्या हुआ था, तब मीडिया वाले बात दबा देते थे। मोदी जी का एक ही एजेंडा था इस देश के अंदर, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया। अगर पीछे वाली गली में कोई जिहादी अगर थप्पड़ मारे तो 15 मिनट में आगे वाली गली को पता लगनी चाहिए, जो साले 15 मिनट की जो गाली धमकी देते थे, आज पता लग रहा है इस भारत के अंदर। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव का ना देखो, अगर सरकार टाइट थी तो फिर योगी जी काम सही कर रहे हैं, लेकिन टांग की जगह गोली छाती पे और माथे पे भी लग सकती थी। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की। देखिए क्या लग रहा है सुमित भाई, आपको क्या लग रहा है, जैसे कह रहे हैं कि भाई योगी जी एक ही कौम को टारगेट कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं। सर देखिए, किसी एक कौम को टारगेट नहीं कर रहे, टारगेट उसको कर रहे हैं जो इस देश के लिए खतरा है। आज सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार ही बोल रहे हैं कि संवेदनशील इलाका है, क्यों जा रहे हैं। हम एक बात बताना चाहते हैं कि संवेदनशील इलाका नहीं है इस देश में। क्या जाफराबाद, शाहीन बाग, बहराइच का जहाँ ज्यादा मुसलमान होंगे वो शाहीन, क्या नाम है, संवेदनशील इलाका हो जाएगा? संवेदनशील इलाका कैसा हो जाएगा? हम तय करके बैठे कि जो संवेदनशील इलाका होगा उसको शांतिशील इलाका में बदलने का काम करेंगे। सर एक सेकंड, संवेदनशील इलाका को शांतिशील इलाका में बदलने का काम करेंगे, हर घर से शिवाजी और महाराणा प्रताप निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इस देश के सौहार्द को और इस देश की अखंडता को बिगाड़ने का कोई काम कर रहा है तो उसको हम चुन चुन कर, योगी जी ने जैसे बुलडोजर से बदला लेना चालू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। तो हम बता देते कि योगी महाराज है, जैसे आप बुलडोजर पर रोक लगाओगे हम नया तरीका निकालेंगे, चाहे गोली से हो चाहे तरीके से हो, हम नए नए तरीके से सारे आरोपियों को सजा देंगे और योगी जी के साथ हिंदुत्व की रक्षा के लिए पूरा देश समर्थ खड़ा हुआ है। यादव जी कह रहे हैं कि भाई चुनाव उपचुनाव आ रहा है यूपी के अंदर तो उसका माहौल बना रहे योगी। सर चुनाव से पार्टी को लेना देना नहीं है, ना योगी को लेना देना है, ना मोदी को लेना देना है। इस देश में चुनाव हर दिन होता है, अगर चुनाव देखते तो 370 नहीं हटता, चुनाव देखते तो 3 तलाक नहीं हटता, चुनाव देखते तो अतीक अहमद नहीं मरता, चुनाव देखते तो कहीं आतंकवादी नहीं मरता, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता। तो चुनाव इस देश से लेना देना नहीं है, लेना देना यह है कि जो भी जिहादी किसी भी हिंदू को टारगेट करके गोली या दंगे करने की कोशिश करेगा उसका आरोप वही होगा कि वो 72 हूर तक पहुंचाने का काम हमारी देश की जनता और सरकार और योगी जी करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम युधि भाई। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे कह रहे हैं कि भाई योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हाँ जी, जिस तरीके से दो आरोपियों का एनकाउंटर करवा दिया, कह रहे कि एक ही खास कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं योगी। नहीं, जब आतंकवादी एक ही कम्युनिटी है और लोगों को मारने वाली एक ही कम्युनिटी है तो एनकाउंटर किसके होंगे भाई? हमारे होंगे क्या? घरों में घुसा के 20-20 गोलियां ये सुअर मार रहे हैं, घरों में घुसा के करंट ये सुअर दे रहे हैं, तो एनकाउंटर किसके होंगे भाई? इन्हीं के होंगे। और अभी तो 2-4 निकले, अभी 10-20 के और होंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इनके चलते रहने चाहिए, तो साली नस्ली निस्तनाबूत होनी चाहिए। कह रहे कि आंख के बदले आंख कोई सोल्यूशन थोड़ी है। नहीं और क्या सोल्यूशन है, मरने के लिए पैदा हुए हैं कि आंख के बदले आंख नहीं, गले के बदले गले भी लेने वाले हैं अभी तो हम। इस तरीके से चुप नहीं बैठेंगे, जितने दिन हिंदू चुप बैठना था बैठ लिया, अब तो जो ये करेंगे एक के बदले 10 देंगे सीधी बात। कि योगी जी चुनाव का माहौल बना रहे हैं यूपी में। नहीं चुनाव का माहौल ही समझ लो, मरने के लिए थोड़ी पैदा हुए, अगर ये मारेंगे तो मरते रहे। चुनाव अगर पास में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू सिर्फ मरता रहेगा। भाई साहब चुनाव आए या उपचुनाव आए, जो हमारे साथ गलत करेगा हमें मारेगा, हम बराबर मारेंगे। अखिलेश से यूं पूछो जाके, उसके बाप ने कार सेवा करके कौन सा माहौल बनाया था,
वो चुनाव का माहौल नहीं था क्या? ये सारे अधिकार ये हथकंडे यही अपनाने के लिए बैठे हैं, सनातन की रक्षा के लिए। योगी महाराज जो फैसला लेंगे वो ही प्रचंड होगा। ये एनकाउंटर होते रहे हैं और होते रहेंगे, मट्टी में ना मिलाते रहेंगे भाई। संवेदनशील इलाका कह के ये बोल देते हैं कि ये संवेदनशील इलाका है, यहाँ से यात्रा ना निकालो। अरे मूर्खो, तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि इस संवेदनशील इलाके में आतंकवादी बसे हुए हैं और आतंकवादियों का इलाज एक ही होता है, जहन्नम। और उसी जहन्नम की आग में भेज देंगे, नष्ट नाबूद कर देंगे, मिट्टियों में मिला देंगे इन आतंकवादियों को, मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन जो कह रहे हैं कि बदले की भावना से काम कर रहे हैं योगी जी, कह रहे कि बदले की भावना से काम, बदले की भावना नहीं है, ये सुरक्षा की भावना है, ये प्रदेश में सुरक्षा कायम करने की भावना है। और सुरक्षा कायम करने के लिए यदि वो क्या कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्म की रक्षा जब होगी जब आप धर्म की रक्षा करोगे, और वो रक्षा तभी होगी जब इनका नरसंहार होगा, इनके एनकाउंटर होंगे। हाँ। तो वो होते रहेंगे, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे ये सरफराज जैसे सूअर के पिल्ले हो, हर एक का एनकाउंटर होगा। हाँ। ये जिस जिस घर से, ये कहते थे ना कि हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, जिस घर से हिजबुल्ला निकलेगा उस कोक पे पैर रख के एनकाउंटर करके आएंगे। हाँ। उस कोक पे पैर रख के वहीं के वहीं बाढ़ आएंगे जहां से हिजबुल्ला और ऐसा आतंकवादी निकलेगा, उस कोक को निश्चय नाबूद कर देंगे। पत्रकार महोदय देखिए, ये भारत है, ये हिंदुत्व की सदी है, 21वीं सदी, विवेका स्वामीनंद ने कहा था 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी होगी। और हिंदुत्व के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं भाई साहब, ममता बनर्जी नहीं है कि मुल्लों को अपने साड़ी में फंसा के बचा लेगी, ये हिंदुत्व की सदी है। यहाँ पे भाई साहब अगर अपराधी है ना तो अपराधियों की आरती नहीं उतारेंगे सीएम आवास पे, अपराधियों की जगह जहन्नुम में, और जहन्नुम में भेजने का काम कर रहे हैं योगी जी भैया।